गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने और एक नए वीडियो लेके, एक फिश ग्रिल, बाशा फिश ग्रिल। तो उसके वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को आप लोगों के दोस्त के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करोगे तो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, तो मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो डाल सकूँगी। और पूरा मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। अभी बेंगलोर का हालात बहुत ही ख़राब है, आप लोगों को पता ही है कि बेंगलोर का गवर्नमेंट पूरा एक वीक के लिए पूरा शॉपिंग मॉल, थिएटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। तो चलिए पहले देख लेते हैं बाशा फिश ग्रिल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो देखिए, ये बाशा फिश और ये जो पेस्ट है, इसमें है कोरिएंडर, गार्लिक, अदरक और ऑनियन का पेस्ट, ये मैंने बना के रखी हूँ। तो इसको मिला के मैं करूँगी ग्रिल। और चाहिए ये आमचूर पाउडर, तो देख सकते हैं ये ड्राई मैंगो आमचूर पाउडर है, ये एवरेस्ट का है, तो शॉप में अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो आप लोग ये छोटा पैक भी खरीद के ले सकते हो, तो मैंने ये खरीद के लेके आया। और चाहिए लेमन और वाइट, मतलब ये ऑलिव ऑयल और सॉल्ट, मैं ब्लैक सॉल्ट यूज़ करूँगी। वो जो बाशा पीस है मैं छोटा छोटा पीस करूँगी, तो उसके साथ मैं वो जो आप लोगों ने मैंने देखा वो जो पेस्ट मैंने बनाया, वो पेस्ट मिला के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, सॉल्ट डाल के मैं मैगनेट करके रखूँगी कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद मैं माइक्रोवेव में उसको प्रिपेयर करूँगी। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप लोग फ्राई पैन होता है ना नॉन स्टिक का, तो वो ओवन में बना सकते हैं गैस में, लो फ्लेम करके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ये फिश को डाल दीजिए उसके अंदर, और ऊपर से कवर लगा दीजिए, तो स्टीम से ये फिश बनता है, तो हो जाएगा ग्रिल फिश। तो चलिए मैं अभी कर लेती हूँ बाशा फिश को छोटा छोटा पीस। तो चलिए पहले मैं फिश को छोटा छोटा पीस कर लेती हूँ। ऐसे साइज का अगर करोगे तो बहुत अच्छा होगा ग्रिल। फिश कटिंग हो गया, अभी करूंगी मैरिनेट। ये बाउल में मैं इसको ले लेती हूँ और इसको जो हड्डी है वो मैं फेंक देती हूँ। तो इसमें मैं दूंगी ये पेस्ट, अभी मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट, और मैंने आमचूर पाउडर निकल लिया था तो मैं इसमें डालूंगी, हो गया। और डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, और ये जो नींबू है ये मैं काट के खाने के टाइम में ऊपर से दूंगी। मैं इसको रखूंगी 15 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं रखूंगी, 15 मिनट के लिए रखूंगी। फिर उसके बाद मैं माइक्रोवेव में इसको ग्रिल करूंगी, और ग्रिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये प्लेट को, ये माइक्रोवेव प्रूफ है इसलिए मैं इसके ऊपर ही ग्रिल करूंगी। हाय एवरीवन, 15 मिनट हो गए, तो आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे इसको, मतलब प्लेट के ऊपर रखा। तो ये देखिए, ये है केक बेकर, केक बेकिंग करती हूँ मैं इसके ऊपर, तो अभी मैं इसके ऊपर ही कर रही हूँ ग्रिल। तो मैं प्लेट रखी हूँ नीचे, ऊपर मैं केक बेकर का एक स्टील का कंटेनर रखी हूँ, उसके ऊपर मैं फिश को ऐसा स्प्रेड कर दिया। तो अभी मैं इसको डालूंगी माइक्रोवेव के अंदर। तो अभी मैं माइक्रोवेव का बटन ऑन कर दिया हूँ, तो देखिए मैं ग्रिल प्रेस किया और मैंने इसको 8 मिनट तक दिया। तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया प्लेट को, तो अभी मैं करूँगी ऑन। स्टार्ट हो गया माइक्रोवेव, तो अभी फिश हो रहा है ग्रिल। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप लोग नॉन स्टिक के फ्राई पैन में भी कर सकते हैं ये फिश ग्रिल। फ्राई पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालिए, फिर इसमें फिश को जो जैसे मैंने दिखाया वैसे करके फ्राई पैन के ऊपर इसको रख दीजिए, फिर इसके कवर से कवर कर दीजिए प्लेट से। तो उसके बाद धीमी आँच में इसको पकाइए, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा पूरा ग्रिल।
मैं बाशा फिश का ग्रिल कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि बाशा फिश का ग्रिल होता है, कोई भी फिश आप लोग ग्रिल कर सकते हो। जैसा मैंने दिखाया ऐसा पेस्ट बनाइए और उसको ग्रिल कीजिए। हाय एवरीवन, तो अभी मेरा ग्रिल फिश रेडी हो गया, तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए ये है मेरा ग्रिल फिश, तो आप लोगों ने देख लिया मेरा ग्रिल फिश क्या है ना, मैं बहुत ही छोटा छोटा पीस करके कर लिया था इसको, तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा पीस कीजिए तो अच्छा होगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अभी मैं इसके ऊपर मतलब लेमन को स्प्रेड कर दूंगी, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी मैं पहले टेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, स्पाइस थोड़ा सा कम हुआ। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, बाशा फिश नहीं, मैंने पहले बोल दिया बहुत सारे फिश से आप बना सकते हैं, सिर्फ बाशा फिश से बनाना है ऐसा नहीं है। तो आप लोग बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, बहुत मतलब टुमोरो में और एक वीडियो लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, घर में दही कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बनाऊंगी दही, तो ज़रूर देखना वो वीडियो।